हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज का जो यहाँ पे हमारा पार्ट टू है उसको लेकर आए हैं, और इसके अंदर हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट यानी वर्ल्ड में कौन सी कंट्री या कौन सा पर्सन जो फर्स्ट है उसके ऊपर इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो, और आपको लाइक भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट? तो इसमें से कौन सा ऐसा फर्स्ट पर्सन है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो शेरपा तेनसिंग एडमोंड हिलेरी, ऑप्शन बी राजेश शर्मा, ऑप्शन सी चार्ल्स लेरी, ऑप्शन डी जॉन डन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए शेरपा तेनसिंग। तो ये जो है माउंट पर सबसे पहले पर्सन है जो पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? तो हमारे जैसे दो पोल हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पे सबसे पहले कौन पहुंचा था? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी राजेश शर्मा, ऑप्शन सी चार्ल्स लेरी, ऑप्शन डी जोहान डन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल? अब साउथ पोल पर सबसे पहले कौन पहुंचा? अगर हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं तो साउथ पोल को हम नहीं छोड़ सकते। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एम्यूनसन, ऑप्शन बी राजेश शर्मा, ऑप्शन सी चार्ल्स लेरी, ऑप्शन डी जॉन डन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एम्यूनसन। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए? तो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यहाँ पे उनके नाम से जगह बी है यूएसए में। फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी रॉबर्ट वॉलपोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स? कौन सी कंट्री ने सबसे पहले बुक्स को प्रिंट किया था? तो यहाँ पे हम ज़्यादातर इन्वेंशंस देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए, और थोड़ी बहुत यहाँ पे कुछ चाइना में भी हैं। तो आपको लेकिन हर क्वेश्चन में अपना अंदाज़ा नहीं लगाना है। इसमें जब हम एंट्रेंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो हमें अपने एक्यूरेसी लेवल, हमने कितने क्वेश्चन सही करे हैं उनके उनका रेशियो देखकर ही हमें किसी क्वेश्चन पे जो नहीं आता उसको टिक करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। सो आई होप आपने अपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। तो करेक्ट जो आंसर है वो है चाइना। तो चाइना ऐसी फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे बुक प्रिंट हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी? कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिसने पेपर करेंसी को इशू किया था? तो पेपर करेंसी को सबसे पहले इशू किया था चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट कंट्री टू कमेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज? तो यहाँ पे सबसे पहले सिविल सर्विसेज जो है सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशन के स्टार्ट करने वाली पहली कंट्री कौन है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना। चाइना में सबसे पहले जो है वो कमेंस किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सिविल सर्विसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? तो ब्रिटेन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी रॉबर्ट वॉलपोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी
जॉर्ज बुश। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रॉबर्ट वालपोल। तो ये जो हैं ब्रिटेन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप। इनमें से पहली ऐसी कंट्री कौन सी है जिसने फर्स्ट कंट्री जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। तो पहला ऑप्शन है उरुग्वे, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। यहाँ पे ऑप्शंस अरेंज मैंने डिफ़िकल्ट थोड़े नहीं किए हैं, बट आई होप आपको इसमें मतलब इतना आपको करेक्ट आंसर सिर्फ दिया जाए, आप इसमें करेक्ट आंसर ढूंढ पाएँ। तो आपने करेक्ट आंसर आई मार्क कर लिया होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट नाम समिट, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समिट जो हुआ था। फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने इसे सबसे पहले जो है वो होस्ट किया था। ऑप्शन ए बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसको 5 कंट्री ने मिलकर जो है स्टार्ट किया था, और इसमें इंडिया भी था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। तो यहाँ पे इसका पहला जो समिट था वो बेलग्रेड में हुआ था यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया। फर्स्ट यूरोपियन कौन है जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑप्शन बी रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच चाइना। पहले यूरोपियन कौन से हैं जो चाइना में पहुँचे थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मार्को पोलो, जो चाइना में सबसे पहले यूरोपियन थे जो चाइना में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन। तो इसमें से ऐसे कौन से फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने एरोप्लेन उड़ाया था। तो ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स। ऑप्शन 15 क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सा ऐसा फर्स्ट पर्सन है जिसने पूरे वर्ल्ड को नाव के थ्रू जो है वो वर्ल्ड को पूरे वर्ल्ड को राउंड राउंड यानी कि उसने कवर किया था। तो ऑप्शन ए मैगलेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मैगलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। तो स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाली पहली कंट्री कौन सी है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है रशिया। और यहाँ पे अभी भी मैं आपको कहूँगी अगर आपको हमारे इसमें ये जो जीके का पार्ट है ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ यहाँ पे हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ में, उनके पीडीएफ के लिए आपको अगर उनके पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल भावना एजुकेशन से एजुकेशन डायरी से जुड़ सकते हैं।
और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है जो इस वीडियो से रिलेटेड हो, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, या अदर आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो उसे आप जो है इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी भावना एजुकेशन डायरी से है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स। तो मॉडर्न ओलंपिक्स को होस्ट करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द फर्स्ट शटल टू गो इन स्पेस। तो स्पेस में जाने वाला पहला जो शटल है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी रदर, ऑप्शन सी डिस्कवरी, ऑप्शन डी अटलांटिक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है कोलंबिया। कोलंबिया जो है स्पेस में जाने वाला फर्स्ट शटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच ऑन मार्स। तो मार्स पे जो हमारा प्लैनेट है, इस पे पहुँचने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट कौन सा था? तो ऑप्शन ए विकिंग वन, ऑप्शन बी विक्रांत वन, ऑप्शन सी शेल्टर, ऑप्शन डी मैगवे। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए विकिंग वन। विकिंग और विक्रांत में कंफ्यूज नहीं होएगा, तो इसका विकिंग है, विक्रांत नहीं है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ऑप्शन ए बेनज़ीर भुट्टो फ्रॉम पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी फारूक कभी भी, ऑप्शन डी मुमताज़ बेगम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बेनज़ीर भुट्टो फ्रॉम पाकिस्तान। ये फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ कंट्री, यानी पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। ये विमेन प्राइम मिनिस्टर की है, लास्ट वाले क्वेश्चन में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर की थी, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। जो फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं कौन सी कंट्री की हैं और उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मिसिस एस भंडार नाइके, ये एन है नाइके, फ्रॉम श्रीलंका, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अनपनमन सेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मिसिस एस भंडार नाइके, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट वीमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वीमेन कॉस्मोनॉट्स हैं वो ऑप्शन ए वैलेंटाइन ट्रेरेश्कोवा, ऑप्शन बी हिलेरी, ऑप्शन सी कैटरीना जॉय, ऑप्शन डी माइकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वैलेंटाइना ट्रेरेश्कोवा, ये हमारी फर्स्ट वीमेन है और ये वर्ल्ड की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो ऐसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ये अधिकतर लो एग्ज़ाम्स में ही पूछा जाता है, बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो ऐसा होता है वर्ल्ड के या हमारी कंट्री के जो फर्स्ट हैं उन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये एवरग्रीन जीके होती है। तो ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के जो हैं जितने भी फर्स्ट कंट्रीज़ हैं और जितने फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने इसमें कवर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको उसका फर्स्ट पार्ट भी देखना है और ये वाला पार्ट भी पूरा देखना है। तो हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अनपनमन सेन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, वो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है ऑफ द यूएन जनरल असेंबली।
यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्ट होते हैं। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो इस टाइम वर्किंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके 5 पार्ट होंगे। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 यहाँ पे ऑर्गन्स हैं और 1 इनएक्टिव है, लेकिन जो माने जाते हैं वो 6 ही ऑर्गन्स माने जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सबसे पहला ऑर्गन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी भारत हाल ही में यहाँ पे फिर अगेन जो है 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो इलेक्ट हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस। स्पेस में जो उड़ने वाला पहला मानव कौन था, पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए यूरी गगारिन, ऑप्शन बी रॉबर्ट वॉल्पोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यूरी गगारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेब्यूट। तो इसमें से पहला कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, बैट्समैन है, जिसने आते ही 3 लगातार जो है टेस्ट में 3 बार यहाँ पे सेंचुरी बनाई है, लगातार सक्सेसिव यानी कि कंटिन्यू बनाई है। ऑप्शन ए मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे एक सी आएगा, ऑप्शन सी गेल, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद अजहरुद्दीन और विराट कोहली। यहाँ पे अगर एथलीट में देखें तो टॉप 10 जो वर्ल्ड के एथलीट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पेड जो हैं एथलीट यहाँ पे विराट कोहली हैं, बाकी इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मैन टू हैव क्लिम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। इसमें से कौन सा ऐसा मैन है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं। ऑप्शन ए नवांग गोम्बू, ऑप्शन बी रॉबर्ट वॉल्पोल, ऑप्शन सी हेनरी वाटरलू, ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नवांग गोम्बू। ये माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। गिजा के जो ग्रेट पिरामिड है ये जो हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उसमें से एक है, ओल्डेस्ट ऑफ द एंशियंट, तो बहुत पुराना है ये। तो जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, तो ये कौन सी कंट्री में है। ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी पोर्चुगल, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इजिप्ट। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा ये इजिप्ट में पाया जाता है। इजिप्ट के सारे पिरामिड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अदरवाइज ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इजिप्ट में पिरामिड के स्टडी करना, और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, अट्रैक्टिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेना पैलेस अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। तो जो पेना पैलेस है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये यूनेस्को की जो हाल ही में अपॉइंटेड हेरिटेज साइट्स होती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं और कई बार एग्ज़ाम्स में जो पहले की होती हैं उन्हें भी पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी पोर्चुगल, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पोर्चुगल। तो ये पेना पैलेस जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये पोर्चुगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन। तो जो नॉर्थ पोल है अर्थ का वो कहाँ कौन से ओशन पे लोकेट करता है। ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी नॉर्वे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन। तो जो नॉर्थ पोल है अर्थ का वो आर्कटिक ओशन पे है लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना जो रिलीजन है ये स्कॉलर्स के बेस्ड पे है, तो कौन सा है वो। ऑप्शन ए हिंदुइज्म,
ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी क्रिश्चियन। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आंसर देखते हैं इसका क्या है, आपका सही है या गलत। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए हिंदुइज्म, विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेक्स्ट वीके की वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। थैंक यू।